मैच बाद कल के मैच मैच में हुआ लॉस, ये बात आप लोग बार बार बोलकर मुझे बताना नहीं, समझ रहे हो? पांच मैच बाद कल के मैच में हुआ लॉस, ये बात बार बार बोलकर आप लोग मुझे बताना नहीं। कुछ लोगों का दीपक चहर की वजह से प्रॉफिट भी हुआ, ये मुझे बता देना, मुझसे छुपाना नहीं। मैं हार मंजूर करके अगले मैच में प्रॉफिट कराता हूँ, पब्लिक के सामने झूठ मूठ का मारता बहाना नहीं। और सुनो बहुत ध्यान से, अगली लाइन बहुत ध्यान से, कोरोना वायरस बहुत तेजी से चल रहा है, शांति से घर में बैठो और ठंडे पानी से नहाना नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। स्पेशल वीडियो है भाई, देखो स्पेशल क्या स्पेशल है, गिवअवे का प्राइस तो 1000 रुपए कैश था वीडियो में एक बंदे का, अब वो हो चुका है 5000 रुपए। ठीक है, कैसे होगा आपको मैं आगे बताता हूँ। और अब हमारे यूट्यूब चैनल पर वो चलेगा, जो भी जिसका भी पहला लाइक और पहला कॉमेंट मैच होता है, जिसका भी पहला लाइक पहला कॉमेंट मैच होता है, वो जीतेगा फ्री कैश, मतलब तुरंत जीत जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उससे पहले तो कल के मैच में मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से, ना मुझे राहुल से उम्मीद है, दीपक हुड्डा तो फ्लॉप जाएगा ही, ना ही क्रिस गेल से कोई उम्मीद है। तो ये तीन प्लेयर हमारे जो है ये चलने वाले नहीं पंजाब की तरफ से। सेम हुआ, कुछ ज्यादा ही सेम हो गया, पूरी पंजाब की टीम ही लुढ़क गई 106 रन पे। तो भाई ये जो चीज है ना, ये फैंटेसी के लिए पिछले दो दिनों पूरे, मतलब पिछले दो मैच बड़े खतरनाक रहे, मतलब आग लग गई, वॉट लग गई, सांत लग गई, पार्ट लग गई, जो भी लग गई, बहुत बेकार रहे। लेकिन खैर, कल के हमारे मैच में हमारा लॉस हुआ ना, पांच मैच से हमारा लगातार प्रॉफिट हो रहा था। और हाँ, और इधर से मैंने भी बोला था सुरेश रैना से भी कोई उम्मीद नहीं है, और डुप्लेसिस तो मारेगा, उतने ज़्यादा रन ही नहीं थे कि वो 60-70 रन बनाए, बट फिर भी अच्छा खेला, 6 रन बनाए। और बाकी टॉस का बोला था, चेन्नई जीतेगी मैच, चेन्नई जीत गई, तो बाकी सब सही रहा बाकी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज जो मैच होने वाला है किसके बीच में है मैच, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद, एक बड़ा मुकाबला, एक बॉलिंग यूनिट और एक ऑलराउंडर यूनिट, तो दोनों के बीच में मैच है बहुत। और ये मैच है चिपॉक में, यानी चेन्नई में मैच है, ये मैच वानखेड़े में नहीं है। चलो सुकून है भाई, गुरु जी कम से कम कुछ तो मैं करी, बढ़िया है ये, इसमें वानखेड़े का जो पिच की हरकतें देखने को नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम न्यूज़ की, प्लेइंग 11 की, वही जो वो बोरिंग बातें हैं ना जो हम रोज करते हैं, लेकिन ये बोरिंग बातें ही आपको मैच जिताती हैं, पता है। तो उससे पहले प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल है, फाइनल टीम मेरी यहाँ पर आएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना, वेरीफाइड चैनल है और करीब करीब 2 लाख लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तुरंत जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाके ज्वाइन करो, फ्री में है, मैं कोई पैसा नहीं, तुरंत इसको ज्वाइन करो। फैंटेसी में अगर आप फैंटेसी खेलते हो, अगर आप इसमें नहीं जुड़े हो तो बेकार है, क्योंकि मेरा पता है इससे पहले मेरा एक और चैनल है 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स का, बट मैं अभी लोगों को वहाँ पर जोड़ नहीं रहा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो ये होगी बात, अब जरा गिवअवे के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो गिवअवे में क्या है, इस वीडियो में 3 सवाल है, एक एक करके वीडियो बीच में आपसे 3 सवाल पूछूंगा, तीनों का आपको जवाब देना है, और जो ये तीनों सवालों का जवाब देता है, आप तो कई मारना मार लोगे, आसानी से जीत लोगे, रोज इतने लोग जीत रहे हैं, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको 5000 रुपये का एक बंदा, और 10 विनर निकलेंगे, यानी कि 50000 रुपये कैश, और जो पहला बंदा होगा उसको मिलेगा कि वीवो का स्मार्टफोन जिसकी कीमत होगी 10000 रुपये। ठीक है, जो कि हर रोज हमारी तरफ से एक विनर निकल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ की मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं गिवअवे के विनर्स नहीं बता पाऊंगा, तो कल वाले मैच के विनर्स मैं कल की वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यार यूट्यूब चैनल मेरा डेस्कटॉप पर खुल नहीं रहा, विनर्स वहीं से निकलते हैं, वो ओपन नहीं हो पा रहा, आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही, ओटीपी आ नहीं रही मेरे फोन में, बड़े इशू है, तो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज आप वीडियो एंजॉय करो और कमेंट करो, हो सकता है आप 2 गिवअवे जीत जाओ, कल वाला भी आप ही जीते हो और आज वाला भी आप जीत जाओ, तो वीडियो पूरी ध्यान से देखना। तो हाँ, शुरुआत करेंगे हम टीम न्यूज से, लेकिन उससे पहले माय लियोन सर्कल के ऐप के ऊपर ही बेस है तीनों क्वेश्चन बेस्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माय लियोन सर्कल का आप डाउनलोड कर लेना। माय लियोन सर्कल के बारे में आपको पता होगा, हर वीडियो में बताता हूँ, बोर करता हूँ मैं आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर से सुन लो, माय लियोन सर्कल के ऐप पर 1 रुपए से 1 करोड़ आप जीत सकते हो, 1 रुपए से 1 करोड़, 1 रुपए की लीग होती है वहां पर, हर महीने फ्री लीडर बोर्ड चलता है 1 करोड़ रुपए का, उसमें भी आप फ्री में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। माय लियोन सर्कल पर डिपॉजिट करने पर आपको 1500 रुपए का बोनस मिलता है, एकदम से नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है, और उसके बाद माय लियोन सर्कल पर जब आप पहली बार डिपॉजिट करते हो आपको 20% का डिपॉजिट बोनस भी मिलता है। माय लियोन सर्कल पर आप एक कॉन्टेस्ट होता है एक्सपर्ट का, उसमें अगर आप एक्सपर्ट को बीट कर देते हो, एक्सपर्ट की टीम को, आपको 5 गुना कैश मिलता है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो माय लियोन सर्कल का ऐप भी डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। ठीक है,
तो गिवअवे में अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज 40,000 लाइक कर देना, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कभी कोई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन आए। आप जिसका पहले आपको पहले कमेंट होता है उसी को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है विनर्स में। सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जरूर लाइक करना वरना पाप पड़ेगा। उसके बाद चलो टीम न्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो आज टीम न्यूज ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में केन विलियमसन को आना चाहिए मेरे ख्याल से मिडिल ओवर में। थोड़ा ये वीडियो बड़ा बनेगा कि मैं आराम से बातें करूंगा, आना चाहिए केन विलियमसन को क्योंकि मिडिल ऑर्डर में टीम मिडिल ऑर्डर से टीम हार रही है, तो पता नहीं किसकी जगह पर ले आए। मेरे ख्याल से हो सकता है जैसन होल्डर्स मैच में ना खेले, क्यों उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। मुंबई इंडियंस की टीम तो अनचेंज होनी चाहिए एकदम। प्लेइंग 11 की बात है तो रोहित शर्मा, डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और करण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, मार्को जेनसेन, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, सेम ही होनी चाहिए। हैदराबाद की प्लेइंग 11 सुन लो, डेविड वार्नर, रिद्वान शाह, हो सकता है शाह ना खेले और ये जॉनी बेस्टो आ जाए ओपन करने का, मनीष पांडे तीन नंबर पे, उसके बाद केन विलियमसन हो सकते हैं, केन विलियमसन आ सकते हैं जैसन होल्डर की जगह पर मेरे ख्याल से शायद आ जाए, और विजय शंकर, फिर अब्दुल समद है, फिर उसके बाद राशिद खान, जैसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा या शाहबान नदीम में से कोई एक। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स को काफी हेल्पफुल होती है, न्यूट्रल पिच है, एवरेज स्कोर की बात करें 140-160 रन आप एक्सपेक्ट करके चलो। तो अच्छा, गिवअवे का जो पहला क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कौन सा प्लेयर आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतेगा। अब सुनो, उसको अभी कमेंट नहीं करना है, अभी वीडियो को बस लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट कैसे करना है बताता हूँ, ये जो मैं तीन क्वेश्चन भेजूंगा तो आपको कमेंट इस तरह करना है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री, ठीक है। अब जो आंसर, ये जो क्वेश्चन वन है इसमें आपको प्लेयर का बस नाम लिखना है, तो आंसर एक कमेंट आप कर लो, अभी सेंड मत करना, लिख लो नीचे आंसर वन करके प्लेयर का नाम आप लिख लो, बाकी और वीडियो आगे देखो फिर जाके कमेंट एक साथ कर देना, तीनों का एक ही में कमेंट, एक ही में आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड ये कहते हैं कि टोटल मैचेस दोनों के बीच में 16 खेले गए जिसमें से हैदराबाद ने 8 जीते और मुंबई ने भी 8 जीते, हैदराबाद अपनी टक्कर जरूर दे रही है मुंबई को, बहुत बढ़िया। हैदराबाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मुंबई के खिलाफ डेविड वार्नर ने 19 मैचों में 637 रन, रिद्धिमान शाह 17 मैचों में 353 रन, ये मैं बताऊंगा नहीं तो आप स्क्रीन पर ही देख लो, ये मैं बताऊंगा नहीं। मुंबई आप स्क्रीनशॉट ले लो, हैदराबाद का ले लिया, अब ये लो मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स का, इसका भी ले लो, ठीक है, ले लिया, ये आप खुद ही देख लो वीडियो आप, या फिर आप रोक के देख लो। तो अगर हम बात करें पर क्वेश्चन टू की, तो क्वेश्चन टू हमारा ये है कि भाई कौन सा प्लेयर आज सबसे ज्यादा पॉइंट माय रिवर सर्कल पर देगा, उसका नाम, पॉइंट नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंज है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर अब दोनों के अब आंसर टू करके कमेंट कर में लिख लो, अब आगे चल के फिर कमेंट सेंड करना। प्लेयर्स बैटल की बात करें तो देखो प्लेयर्स बैटल में बहुत सारे हैं, मैं आपको लाइव आके ज्यादा बता दूंगा बट अभी यहाँ पर थोड़ा कम ही बता रहा हूँ। डिकॉक और होल्डर का देख लो, 25 बॉलों में 23 रन, 2 बार आउट किया डिकॉक ने, होल्डर ने डिकॉक को। रोहित शर्मा, संदीप शर्मा का देखो, 43 बॉलों में 37 रन, 4 बार आउट किया, वाह भाई वाह। सूर्यकुमार यादव और संदीप शर्मा देखो, 30 बॉलों में 32 रन, 3 बार आउट किया। संदीप शर्मा विराट कोहली के ऊपर भारी पड़ता है, इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, कैसा बॉल है, इंडिया के लिए खेलना चाहिए। और उसके बाद हार्दिक पांड्या का, राशिद खान का देखो, 33 बॉलों में सिर्फ 18 रन और 2 विकेट। और अगर जॉनी बेस्टो, राहुल चहर का देखो, 8 बॉलों में 4 रन 2 विकेट। केन विलियमसन और कुणाल पांड्या का देखो, 20 बॉलों में सिर्फ 13 रन और 2 विकेट, गजब ससीन है भाई साहब। तो चलो ये हो गया, जरा हम आते हैं अपने प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं थोड़ा। तो हमारे प्रेडिक्शन क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से जो टीम चेज करेगी ना वही जीतेगी आज, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं प्लेयर्स प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे लग रहा है राहुल चहर विकेट नहीं लेगा, और मुझे लग रहा है जैसन होल्डर भी विकेट नहीं लेगा, अगर लेगा तो मैक्सिमम एक विकेट लेगा। डिकॉक मुझे लग रहा है आज स्कोर कर सकता है, वार्नर तो अपना बेस्ट करेगा ही, वो तो करेगा, इसको तो आपको टीम में लेना ही है। मनीष पांडे या तो आज मैच विनिंग पारी खेलेगा, और या फिर या तो मैच विनिंग पारी खेलेगा या फिर वो फ्लॉपी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मनीष पांडे का काफी मजाक बनाया जा रहा है कि मनीष पांडे की इसकी स्लो इनिंग की वजह से हैदराबाद 2 मैच हारी है, तो हो सकता है खून जुनून सब एक साथ उबल आए, तो ठीक है। तो जो हमारा गिवअवे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा प्लेयर आज लोएस्ट पॉइंट देगा माय रिवर सर्कल पे और कितने पॉइंट देगा, ये आपको कॉमेंट करना है। यानी पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा, दूसरा क्वेश्चन था कौन सा प्लेयर माय रिवर सर्कल पे मतलब वो करेगा क्या बोलते हैं मैं हाईएस्ट पॉइंट देगा, तो तीसरा क्वेश्चन है कौन सा प्लेयर सबसे लोएस्ट पॉइंट देगा। लोएस्ट पॉइंट में आपको ये भी कमेंट करना है कितने पॉइंट देगा लोएस्ट में, ठीक है। ये आपको तीन चीजें ऐसे करनी है, तीन चीजें ऐसे जिस तरह मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ऐसे आपको करके कमेंट करना है, और नीचे दो हैशटैग लगाने हैं आपको, वो आप देख लीजिए, ये दो हैशटैग आपको ऐसे लिखना है, ठीक है।
#Dream11 #Dream11Team, ठीक है, ये आपको करना है, ओके, तो कर देना जरा, आई होप आप कमेंट करोगे और आप जीतोगे। तो माइलेवन सर्कल की फैंटेसी ग्रेड की जरा हम टीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीम बनाई हुई है और मैं अपनी टीम आपको दिखाता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन मैंने लिया क्विंटन डिकॉक को, वाइस कैप्टन भी बनाया हुआ है। बैटिंग सेक्शन मैंने लिया मनीष पांडे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव को, डेविड वार्नर को। ऑलराउंडर सेक्शन में लिया मैंने कुणाल पांड्या को, जैसन होल्डर को। बॉलर्स मैंने लिया राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह को। तो ये है हमारी फिलहाल टीम और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि पहले अगर बैटिंग करती मुंबई इंडियंस तो मैं ईशान किशन को ले सकता हूँ, और अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो मैं केन विलियमसन को लूँगा, या फिर अगर जॉनी बेस्टो का खेलना पक्का होता है तो मैं जॉनी बेस्टो को भी लूँगा, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार की जगह पर, ऐसा हो सकता है। तो ये चेंजेस हैं जो कि मैं फाइनल टीम आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तुरंत आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और माई लेवन सर्कल का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको पता है शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप लाइव देखने जरूर आना, वहाँ पर मैं अपने बाकी की प्रेडिक्शंस में आके कर दूंगा लाइव सेशन में, ठीक है। तो बाकी चलो अलविदा, कल मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ और शाम को 6 बजे एक नए लाइव सेशन के साथ। लव यू, ख्याल रखना अपना, गेम में पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है, और हाँ आई प्रॉमिस मैच आपका अच्छा जाएगा आज। लव यू।